सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थॉर 4 के नए टीजर ट्रेलर के बारे में। थॉर 4 के नए टीजर के आने के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या लोकी थॉर 4 के अंदर होने वाला या नहीं। इसके अलावा थॉर इस ट्रेलर के अंदर एक मिस्टीरियस गर्ल को किस कर रहा था, तो आखिर ये लड़की कौन है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले उस मिस्टीरियस गर्ल पे आते हैं, जिसको बेसिकली थॉर 4 के टीजर के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर किस कर रहा था एक बोट के ऊपर। तो अब ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये लड़की कौन है, पर आई पर्सनली थिंक हो सकता है ये लड़की एक वेलकायरी हो। थॉर 3 से हमें पता है कि एमसीयू के अंदर लास्ट सर्वाइविंग वेलकायरी और कोई नहीं बल्कि टेसा थॉम्सन की वेलकायरी है, जो कि इस समय न्यू एसगार्ड की किंग है। पर ऐसा हो सकता है कि कुछ वेलकायरीज और हो एमसीयू के अंदर जिसके बारे में टेसा थॉम्सन की वेलकायरी को भी ना पता हो, क्योंकि बेसिकली अभी टेसा थॉम्सन के वेलकायरी का एक फंको पॉप रिलीज हुआ है इंटरनेट पे, जिसमें हम वेलकायरी के बालों को ब्लूइश कलर का देख सकते हैं, और ऐसे सेम बाल हमने उस लड़की के ऊपर देखे थे जिस लड़की को बेसिकली क्रिस हेम्सवर्थ थॉर 4 के टीजर के अंदर किस कर रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस थॉर को हमने टीजर में देखा वो एक वेरिएंट हो क्रिस हेम्सवर्थ थॉर का, एक ऐसा वेरिएंट जिसके यूनिवर्स के अंदर वेलकायरीज का क्लैन अभी भी जिंदा है, और उनमें से ही एक वेलकायरी को क्रिस हेम्सवर्थ थॉर किस कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हैवी रूमर्स चल रहे इंटरनेट पे कि थॉर 4 की मूवी भी मल्टीवर्स के स्टोरीलाइन के साथ डील कर सकती है, और हमें थॉर 4 के अंदर मल्टीपल थॉर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिस थॉर को हमने उस बोट पे देखा था वो थॉर बेसिकली एक वेरिएंट हो। बाकी मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाकर रखी इन थ्योरीज के ऊपर कि क्यों बेसिकली थॉर 4 के अंदर हमें मल्टीपल थॉर्स देखने को मिल सकते हैं, आप उन सारे वीडियोस जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। इसके अलावा चलिए लोकी के बारे में बात करते हैं। सो थॉर की हर मूवी में लोकी का होना कंपलसरी होता है, पर ऐसा लग रहा है कि थॉर 4 के अंदर हमें लोकी नहीं दिखने वाला है। लोकी सीजन 2 अगले साल रिलीज होने वाली है, और लोकी सीजन 2 एंटमैन 3 से कनेक्ट होने वाली है, पर लोकी सीजन 3 से पहले शायद आपको लोकी थॉर 4 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मे बी थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर मिड क्रेडिट सीन में आपको लोकी देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं थॉर 4 हो सकता है एंटमैन 3 को सेटअप करे या लोकी सीजन 2 को सेटअप करे, पर थॉर 4 की एग्जैक्ट मूवी के अंदर शायद आपको लोकी देखने को नहीं मिलेगा। लोकी के दिखने के चांसेस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ज्यादा है और थॉर 4 में कम। बाकी मैं पर्सनली इस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। थॉर की मूवी में लोकी का होना तो कंपलसरी होता है, पर इस बार ऐसा लगता है कि लोकी का एक छोटा मोटा कैमियो शायद हो सकता है थॉर 4 के अंदर, पर वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आप लोकी सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो। इसके अलावा आपको क्या लगता है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इस साल मार्वल के लिए ज्यादा पैसा कमाने वाली है या फिर थॉर 4, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।